झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार भी बोल सकते हैं, झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं, झूठ बोलो। साल में नीतीश कुमार क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं किए मेरे। देखिए जिस तरह का भीड़ है उसमें बात करना बहुत मुश्किल है, कुछ युवाओं से बात करेंगे तो बात करोगे तभी तो भीड़ लगा के गिरा दोगे हमको। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, स्वागत है आपका हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र में। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां पर जन संवाद करके गए। जन संवाद में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिसुआ को संबोधित कर रहे थे, मगर लग रहा है कि पूरा बिहार जीत जाएंगे। जिस आक्रोश के साथ संबोधन कर रहे थे वो जनता बताएगी 10 तारीख को जब परिणाम आएगा, बोलने का मौका मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप थे यहाँ पर कितना देर से, आप जो है सुबह से रुके हुए थे 1 घंटे के? 10 बजे से हम 10 बजे से इंतजार कर तेजस्वी यादव को। नवयुवक हम लोग, गरीब का नेता है तो तेजस्वी यादव है। अच्छा तेजस्वी यादव अभी कुछ दिए नहीं है तो गरीब के नेता कैसे हुए? मोदी जी बोले थे कि सबको खाता पर 15-15 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, 15 रुपया नहीं मिला। अच्छा 15 रुपया भी नहीं नहीं मिला। 10 तारीख को कोर काला धन वापस करेंगे तो पैसा वापस मिलेगा। एक महीने सर अभी राशन नीति जी पार नहीं लग रहा, हम लोग राशन नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो युवक आए हैं तो तेजस्वी जी का भाषण सुने, अरे जरा कैमरा रिकॉर्ड करने का मौका दीजिए, तेजस्वी जी का भाषण सुने और राहुल जी का भाषण सुने, लगता है कि पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी, पूरा पूरा उम्मीद है। देखिए बात करना मुश्किल है, लोग बात नहीं कर रहे, भाषणबाजी कर रहे हैं। बात करोगे तो बात करेंगे, जिंदाबाद का नारा लगाने नहीं आए। अच्छा रुकिए, आप लोग तो यार जिंदाबाद कर रहे हो, जो जीत जाएगा, अरे सुनिए सुनिए, 10 तारीख को जीतेगा या हारेगा उसके बाद ना जिंदाबाद लगाइए, जिंदाबाद बीजेपी की तरफ से लग गया तो आप लोग तो नाखुश हो जाएंगे। नहीं, कहना है ना कि जरूर जरूर मिलेगा नौकरी युवाओं को, ये युवा नेता है, युवा के लिए काम करेंगे। और ये जो पलटू राम चाचा है वो तो पलटी किधर भी मार जाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे जो तेजस्वी यादव जी है इस पे पूरा भरोसा है, ये युवाओं को सरकार ये बनते ही ये 10 लाख नौकरी का वादा किया है, ये जरूर पूरा करेंगे। पलटू चाचा, अरे रुके रुके, देखिए जिस तरह का भीड़ है उसमें बात करना बहुत मुश्किल है, कुछ युवाओं से बात करेंगे तो बात करोगे तभी तो भीड़ लगा के गिरा दोगे हमको। बोलिए बोलिए, क्या बात है? पलटू जो चाचा है, अरे रुको तो सही। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग युवा हो से, अरे रुको, मेरी भाई चैनल बताएंगे, सब सब्सक्राइब करके बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या है, क्या है? अच्छा एक बात बताइए कि क्या मतलब वोट देते हैं, वोटिंग वोटर लिस्ट में नाम आ गया आप? जी सर। नहीं नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा तो। अगर हाँ आगे के लिए एक मांग बना हुआ है, एक मांग बना हुआ बना गया सर कि बिहार को तरक्की किया जाए, साइड हो जाए, बस बिहार को बदलाव किया, बदलाव किया जाए। पहले जैसा सरकार नहीं चाहिए हम लोग को एक नया सरकार चाहिए जिससे बिहार की तरक्की हो सके। बिहार हमारे बहुत ही पिछड़ा राज्य माना जा सकता है। 15 साल में नीतीश कुमार क्या किए? कुछ नहीं किए मेरे हिसाब से कुछ नहीं किए। आरओ को क्या लगता है वो क्या किया, लेकिन बस मेरा घर में जितना भी समय से एग्जाम नहीं होता है, समय से कोई भी परीक्षा टाली जा सकती है। मतलब कौन सी कक्षा में, मतलब कौन से आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BSc क्वालिफाई कर दिया, बीएससी फाइनल ईयर हो गया। जॉब का क्या स्थिति है? जॉब की स्थिति बिहार में बहुत जर्जर हो चुकी है। अच्छा। खास करके जो युवाएं हैं उसका तो और हालत गंभीर हो गया है। जैसे कि हम लोग का अभी बीएससी से का एग्जाम था, 6 साल पहले फॉर्म अप्लाई किया गया था, 6 साल पहले फॉर्म अप्लाई किया गया था, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तेजस्वी जी राहुल जी आए, दोनों ने अपने अपने मतलब भाषण दिया, जन संवाद किया,
तो क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी सत्ता में लौटेगा? पूरा 100% तेजस्वी यादव को लाना है, इस बार सरकार बदलना है। आप कितना वोट करोगे? एक ही वोट करोगे ना? बस एक ही वोट से तो बदल देंगे। अच्छा, एक ही वोट का तो महत्व होता है, सबका तो एक ही वोट होता है। कोई एक आदमी 10 वोट तो नहीं दे सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले बीजेपी के जेपी नड्डा भी आए थे, तो उनके बात तो मैं आप लोगों को कोई दम नहीं लगा? कोई दम नहीं, बीजेपी मंगाए थे पैसा दे के। वो तो बाहर से हिस्सा कौन जानता था, पूछ लीजिए यहाँ पर से कोई है कागो? कोई नहीं है, हम खुद नहीं आए थे। तो हम खुद नहीं आए थे, अब चलते चलते बात कर लेंगे। जनता का आक्रोश है, और जनता का आक्रोश के साथ साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार बिहार चुनाव में 28 अक्टूबर को पहला फेज का चुनाव 71 सीटों के लिए है। राहुल गांधी के भाषण से जो इस बार बिहार की जनता कितना लोभित है, और राहुल गांधी के भाषण को लेकर बिहार की जनता कितना पॉजिटिवली उनको देख रही है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डुओ जोड़ी पर जो है बहुत हमला कर रहे हैं, और देखना यह है कि इस हमले के बाद राहुल गांधी जो है इस बार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। वैसे एक चीज़ बहुत अहम है कि 9 तारीख को अगर लालू प्रसाद यादव की बेल हो जाती है तो शायद तेजस्वी या लालू एक बार पूरा परिवार जो है समक्ष होकर आरजेडी के लोग जो इस मर्तबा साथ में जो है सेलिब्रेशन करेंगे। मैं रजा अंसारी आपको बिहार से अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा किसी और अपडेट के साथ। शुक्रिया।